क्या आपने कभी एक ऐसे फल को देखा है जो कि बुद्धा के शेप में होता है और इस फल की कीमत मार्केट में नॉर्मल फलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और क्या आपने कभी व्हाइट कलर की स्ट्रॉबेरी को देखा है जो कि ये स्ट्रॉबेरी रेड कलर की स्ट्रॉबेरी से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है और मार्केट में इस एक स्ट्रॉबेरी की कीमत कई हजार रुपए की होती है। और क्या आपने कभी एक ऐसे तरबूज को खाया है जिसके एक जोड़ी तरबूज की कीमत 20 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है? तो फिर आप इस बात का अंदाजा तो खुद ही लगा ही सकते हैं कि इस तरबूज का स्वाद कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी कीमत कोई 100-200 रुपए में नहीं होती है बल्कि लाखों रुपए में होती है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है बुद्धा शेप्ड पियर्स। गाइस अभी आप जो स्क्रीन पर ये फल देख रहे हैं ये एक नाशपाती है जो कि ये कोई आम नाशपाती नहीं है जो हमारे बाजारों में मिल जाती है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में सिर्फ एक ही तरह की नाशपाती मिलती है जिसका दाम मामूली सा होता है, लेकिन इस खास किस्म की नाशपाती का दाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस छोटी सी एक नाशपाती की कीमत 680 रुपए तक होती है। तो फिर आप खुद सोच ही सकते हैं कि इसमें एक किलो नाशपाती की कीमत कितनी ज्यादा होगी। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाशपाती बुद्ध के आकार की ही होगी, जो कि ये नाशपाती दिखती भी कुछ बुद्ध के आकार की ही है। जब ये पेड़ पर आना शुरू होती है तो इनको ऐसा शेप देने के लिए एक फ्रेम का यूज किया जाता है जिस पर बुद्ध की शेप बनी होती है और इस सांचे में डालकर ये फल बुद्ध की शेप में बन जाता है। नंबर 9 पर है ब्लैक एप्पल। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाजार में सेब की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं और इनमें से कई सारे सेब लाल, हरे और हल्के पीले रंग में पाए जाते हैं, लेकिन आपने ब्लैक कलर के एप्पल के बारे में शायद ही कभी सुना होगा। दुनिया भर में 20 से भी ज्यादा देशों में 200 से भी ज्यादा किस्म के सेब पाए जाते हैं, लेकिन ये ब्लैक एप्पल इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ तिब्बत की न्यांगची क्षेत्र की पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं जहां आमतौर पर सेब की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के आसपास होती है। वहीं केवल एक ब्लैक एप्पल की कीमत 500 रुपए से भी ज्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक एप्पल किसी भी सेब के मुकाबले क्वालिटी में काफी अच्छे होते हैं और जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं। इनकी मिठास नॉर्मल सेबों से भी ज्यादा मीठी होती है और ये खाने में बेहद ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। तिब्बत के पहाड़ी इलाकों का तापमान इस ब्लैक एप्पल की खेती के लिए काफी लाभदायक माना जाता है जहाँ इन्हें भरपूर मात्रा में सूर्य की किरणें मिलती है। इसी वजह से इस सेब का रंग गहरे लाल रंग से बदलकर गहरे बैंगनी या काले रंग का हो जाता है, लेकिन पहली नजर में ये काले रंग के ही दिखाई देते हैं और सूरज की किरणें पड़ने पर ये सिर्फ काले रंग या हरे रंग के समान ही चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लैक डायमंड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8 पर है शंबिक या क्वीन स्ट्रॉबेरीज। अधिकतर स्ट्रॉबेरीज महंगी ही होती है क्योंकि ये अलग अलग नाम से भी आती है और ये हमारे बाजारों में महंगे पैकेट्स में मिलती है। स्ट्रॉबेरीज के ज्यादातर महंगे होने का एक और कारण ये भी है, ये दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में आसानी से नहीं मिलती, साथ ही इन्हें तैयार करने की लागत बहुत ज्यादा आती है और इन्हें तैयार करने में समय भी बहुत ज्यादा लगता है। ये शंबिक या क्वीन स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इन्हें नेचुरली अलग तरीके से तैयार किया जाता है। इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ये स्ट्रॉबेरी गहरे लाल रंग की होती है और इनके ऊपर की स्किन भी बहुत ज्यादा शाइन होती है जो कि ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज के मुकाबले बड़ी भी होती है। जापान में इसे खास तौर पर गिफ्ट में दिया जाता है। ये स्ट्रॉबेरीज एक पैकेट में करीब 12 होती है और उस पैकेट की कीमत 6000 रुपए से भी ज्यादा की होती है, यानी कि एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 500 रुपए के आसपास होती है। नंबर 7 पर है रूबी रोमन ग्रेप्स। दुनिया भर में अंगूर कई तरह के पाए जाते हैं, लेकिन आपने अब तक काले और हरे रंग के अंगूरों को ही खाया होगा जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस अंगूर के बारे में बताने जा रहा हूँ ये अंगूर वाकई में दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर है। इस अंगूर का आकार पिंग पोंग बॉल जैसा होता है और इसके केवल एक अंगूर का वजन 20 ग्राम तक होता है। इस अंगूर की खेती को बहुत ही दुर्लभ तरीके से किया जाता है जो कि इसकी खेती सिर्फ जापान में ही की जाती है और जापान में इन्हें रूबी रोमन ग्रेप्स के नाम से ही जाना जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल लाल रंग के होते हैं और अन्य अंगूरों के मुकाबले ये अंगूर काफी मीठा भी होता है जो कि हार्ट के पेशेंट के लिए लाभदायक होता है। अगर आप इस अंगूर के गुच्छे में से किसी भी एक अंगूर का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको 60,000 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि ये फल दुनिया में रेयर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा महंगा भी है, इसीलिए इस फल को अमीरों का फल भी कहा जाता है। सच तो ये है कि इस अंगूर की बिक्री नहीं होती बल्कि नीलामी होती है। 2016 में रूबी रोमन के 26 अंगूरों की कीमत 7 लाख रुपए से भी ज्यादा की थी। नंबर 6 पर है व्हाइट ज्वेल। गाइस अभी हम कुछ समय पहले ही रेड स्ट्रॉबेरी के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह ये भी एक
रेयर और कीमती फलों में से एक है। व्हाइट स्ट्रॉबेरी के बारे में बहुत ही कम बात होती है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये स्ट्रॉबेरी जापान में उगाई जाती है और इसका कलर बाहर से सफेद और हल्के पिंक कलर का होता है, जबकि अंदर से ये स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से सफेद होती है। इसके सफेद होने की वजह से इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लाल स्ट्रॉबेरी से ज्यादा ही मीठी होती है और साइज में भी उससे ज्यादा बड़ी होती है। शुरुआत में इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई पाइनएप्पल खाया हो, लेकिन उसके बाद इसका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगने लगता है। और अगर अब हम बात करें इस स्ट्रॉबेरी के प्राइस की, तो इसके एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 750 रुपए तक होती है। नंबर 5 पर है स्क्वायर वाटरमेलन। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं, जो कि बाजारों में नॉर्मली आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तरबूज भी स्क्वायर शेप में हो सकते हैं? इस तरबूज को जापान में एक बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे ये तरबूज बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है। ये तरबूज सिर्फ जापान में ही पाया जाता है, जिसका यूज ज्यादातर डेकोरेशन में किया जाता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते। इस स्क्वायर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा होता है तो उसी समय इस फ्रेम को उस तरबूज के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे तरबूज खुद ब खुद स्क्वायर शेप ले लेता है। और इस एक तरबूज की कीमत 75,000 रुपए तक होती है। नंबर 4 पर है टायोनो टोमागो मैंगोज। टायो टोमागो एक अलग प्रकार का आम है, जिसे एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला, और स्वाद में नॉर्मल आमों से बिल्कुल अलग होता है। खास किस्म के इस आम में मिठास के साथ साथ नारियल का हल्का सा स्वाद भी होता है। जापान में हर साल इस आम को बड़े स्टोरों में बेचा जाता है, जिसके दाम आसमान छूते हैं, और इसे खरीदने के लिए अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। 2015 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई, जिसे 2.5 लाख रुपए में खरीदा गया। इस आम को जापान में गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाता है, जिसमें हर आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 700 ग्राम आम की कीमत 2.5 लाख रुपए थी, तो 1 किलो आम की कीमत 3 लाख रुपए के बराबर होगी। नंबर 3 पर है पाइनएप्पल फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगा। यूरोप में पाइनएप्पल बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हेलिकन गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाइनएप्पल पाए जाते हैं, और वो भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से, क्योंकि इस पाइनएप्पल को बनाने में लगभग 2 साल लगते हैं, और इन्हें पकाने में घोड़े की खाद भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ ही साथ इन्हें ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। इन पाइनएप्पल्स को थोड़ा सा ही तैयार किया जाता है, क्योंकि इनको अलग अलग वातावरण की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और इसके एक पाइनएप्पल की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती है। नंबर 2 पर है युबारी मस्क मेलन। गाइस, ये जो आपको अभी स्क्रीन पर 2 खरबूजे दिखाई दे रहे हैं, इन 2 खरबूजों की कीमत 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। इन खरबूजों को युबारी मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जब नॉर्थ होकाइडो की एक मार्केट में इस खरबूजे की नीलामी हुई, जिसे यहाँ के स्थानीय फ्रूट्स पैकिंग फ्रेम ने सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदा। ये खरबूज स्वाद में बेहद मीठे और रसीले होते हैं, साथ ही इनका शेप बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसकी कीमत के कारण जापान में ये खरबूजा इस कदर मशहूर है कि लोग इसे खास मौकों पर अपने रिलेटिव और दोस्तों को उपहार के तौर पर देते हैं। जापान में ऐसा करना सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो गाइज, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है डेकोपोन सिट्रस। अगर आपको संतरे खाना पसंद है, तो आपके लिए इस संतरे को एक बार जरूर खाना चाहिए। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है, लेकिन इस संतरे को खाने के लिए आपको महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखने में नॉर्मल संतरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। इसके 6 संतरे आपको $80 यानी कि 6,000 रुपए के पड़ेंगे, और इसे खाने के लिए आपको जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खास संतरा सिर्फ जापान में ही मिलता है। इसे कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी फलों में से सबसे अच्छा फल कौन सा लगा, और आपने अपनी लाइफ में अभी तक सबसे महंगा फल कौन सा खाया है? और अगर आपको इन सभी फ्रूट्स में से किसी भी एक फ्रूट को आपको फ्री में खाने को दिया जाए, तो आप कौन से फ्रूट को खाना पसंद करेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के इन टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट्स के बारे में पता चल सके। तो गाइज, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।